क्या नाम है आपका? एमडी अब्दुल्ला अंसारी नाम है मेरा। जी जी, क्या किस लिए आए थे तिबिया को? मैं अपने मदर इन लॉ को लेकर आया था। यहाँ पर इनका कमर और घुटने का ट्रीटमेंट चल रहा था। दवाई वाई मिल गई? दवाई बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा। एक भी दवाई नहीं मिली है, सिर्फ एक कैप्सूल देते हैं। हाँ। वही डब्बे में रख रखे हैं। पहले मैं तिबिया कॉलेज में जब भी आता था, यहाँ पूरा भरपूर दवाई मिलती थी, हर दवाई मिलती थी। यहाँ पे हमें थैला लेके आना पड़ता था दवाई लेने के लिए। आज बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या बोलते हैं? और बताते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से ले लें। एक केमिस्ट का दुकान खुला हुआ है, आप पीछे देख ही रहे हैं, वहाँ से आप दवाई ले लें। ये जो पीछे दुकान है? जी जी जी, प्राइवेट दुकान है। हाँ, ये प्राइवेट दुकान है, वहीं से हम दवाई लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं वजीराबाद से आया हूँ। जी, दिल्ली से रहने वाला हूँ। फोन किया? नहीं नहीं, फोन तो नहीं किया था, मगर हमें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे अब तिबिया कॉलेज में ये सिस्टम ही बंद हो गया है। सिर्फ हाँ, सिर्फ एक ही कैप्सूल मिल रहा है और कोई दवाई नहीं मिल रहा। नमस्कार, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकराम और इस वक्त करोल बार के तिबिया कॉलेज के बाहर हूँ। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ पर जो है दवाइयाँ बाहर से ज़्यादातर लिख रहे हैं, तो चुनाव का माहौल है, देखते हैं जनता क्या कहती है। जो दवाई लेने आए पेशेंट उनसे बात करते हैं कि क्या वो सच में दवाई बाहर से खरीद रहे हैं, या केजरीवाल जी जो कहते हैं कि अस्पतालों से दवाई मिलती है वहीं अस्पतालों से दवाई मिल रही है। चलिए पब्लिक से बात करते हैं। क्या नाम आपका? शिव कुमार। क्या करने आए थे कॉलेज? जी, मेरा जांग में दर्द था, सुन हो गया था, उसका इलाज कराने आए थे। अच्छा, दवाई वाई मिल गई? कुछ नहीं मिला, बोला दवा लिखा ही नहीं, बोला कि दवा तो एक तारीख को आएगा, बाहर से लिख दूँ तो हमने मजबूरी में लिखवा लिए। एक तारीख? हाँ, बोला बाहर से ले लो। 10-11 दिन बाद? जी जी जी। अच्छा, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा यार। बहुत कुछ हो गया, चलते मजबूरी में लिखवा के ले लिया बाहर से दवा। बाहर से लिखवा के ले लिया? जी। तो यह दवाई नहीं मिली? नहीं मिली, बोला एक तारीख को आएगी। मैं तो तिरी नगर से आया हूँ, रामपुरा स्थित में। जी, दिल्ली से। क्या नाम आपका? राजदा खातून। राजदा खातून। राजदा खातून, क्या लेने आए थे यहाँ पे? मैं दवाई दिखाने आई थी लेडीज डॉक्टर से। दवाई दिखाने आए थे? इलाज कराने आए थे। हाँ। दवाई नहीं मिली? दवाई नहीं मिली, मेरे बाहर से दवाई मिलता है, कभी भी दिखाते तो हमेशा बाहर से मिलता है। बाहर से दवाई मिलता है? हाँ, अंदर से कुछ मिलता है एक दो, बाकी बाहर से मिलता है, बाकी सब बात। हाँ, ये दवाई है सर जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र शर्मा, मंडावली से आ रहा हूँ मैं, दिल्ली से। अच्छा, मंडावली दिल्ली से। हाँ, तो और मैं आँखों का इलाज करा रहा हूँ, 3 महीना हो गए मुझे। दवाई सर मेरे पास जो है ये सब जो है खरीदी हुई है, देखो ये। अच्छा, खरीदी है? ये इसी दुकान से खरीदी हुई है मैंने। मेडिकल जो चल रहा है? हाँ, पीछे मेडिकल है। यहाँ से सर कोई दवाई नहीं मिलती? कोई दवाई नहीं मिलती ना। एक बार भी नहीं मिली आपको? एक बार भी नहीं मिली, मैंने नशे का करवा के आ रहा हूँ। कहते हैं ये लोग सुनते नहीं है बिल्कुल। कोई केजरीवाल की दवाई हमने बोला था डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला केजरीवाल कहते तो हैं लेकिन यहाँ दवाई कोई नहीं है। दवाई कोई नहीं है? दवाई कोई नहीं है, ये खरीदी हुई दवाई है इसी दुकान से। देखो मेडिकल पे मिलती है? हाँ, मेडिकल से मिलती है, पैसों से मिलती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौकीर। मैं करोल बाग बापा अनंतपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? अंदूरी कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा। उसके लिए मेरा सारा दवाई बाहर से लिख दिया, अंदर से कोई दवाई नहीं मिला मेरे को। कोई दवाई नहीं मिली? नहीं, बोलते बाहर मेडिकल से ले लो, यहाँ दवाई की दवाई यहाँ नहीं मिल पाती है। दवाई यहाँ नहीं मिलता? बाहर मेडिकल से ले लो। बाहर मिलता? कौन सा अस्पताल है? ये दिव्या कॉलेज है। क्या नाम आपका? अजीजुर रहमान। कहाँ से आए थे? ये सीलमपुर से। सीलमपुर से? जी। दवाई लेना? जी। क्या हुआ, दवाई नहीं मिली? वहाँ अंदर नहीं है दवाई। क्या हुआ था? बोले बाहर से ले लो। बाहर से ले लो? जी। बाहर से कहाँ से खरीदी है या अभी खरीदोगे? नहीं, खरीद ली। खरीद ली? कितने की? 340। तो कोई दवाई नहीं मिली? नहीं। हेलो, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है अरविंद कुमार, मैं अपने बच्चे की दवाई लेने आया था। कहाँ से? मैं आया था जौहरीपुर पुरानी दिल्ली से। अच्छा, जौहरीपुर पुरानी दिल्ली से। जी सर। दवाई नहीं मिली? दवाई नहीं मिली है, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, और ये जो दवाई है यहाँ से मेडिकल से ले जाओ, 280 रुपये की पड़ेगी, तो मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर मैं दवाई लेनी थी अपनी बच्चे की दवाई? बच्चे की दवाई ले ली? जी सर। केजरीवाल जो बोलते हैं कि फ्री दवाई मिलती है, यहाँ नहीं मिल रही है? सर नहीं मिलती है। कुछ कहेंगे उनसे? सर जरूर कहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री होते हुए दवाई नहीं मिल रही है, बताओ। क्या नाम आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। कहाँ से आए थे? भजनपुरा मुस्तफाबाद। भजनपुरा मुस्तफाबाद। क्या दवाई लेने आए थे? जी हाँ। क्या हुआ था? बवासीर की परेशानी। तो बताएं क्या क्या बोला उन्होंने, दवाई नहीं दी?
इन्होंने दवाई दो दवाई जो है यहाँ हॉस्पिटल से दिया, दो बाहर से लिख दिया। बाहर से दिया यानी कि जी बाहर कितने पैसे के मेडिकल में? 400 रुपये की। 400 रुपये की दवाई, दो दवाई बाहर से। पहली बार आए थे? नहीं, पहले भी आए थे तो ऐसे ही दिया था। पहले भी बाहर से ली थी? हाँ, पहले भी बाहर से 15 दिन दवाई जो मैंने जी बोलते हैं कि फ्री दवाई मिलती है। हाँ, इस हॉस्पिटल में तकरीबन जो एक साल के आसपास हो गया जो दवाई, हाँ कुछ बाहर से या एक दो दवाई यहाँ से देते हैं। एक दो दवाई बस कहेंगे केजरीवाल से कि आपके हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती। अब उनके केजरीवाल साहब से मैं तो यही कहूंगा कि भाई जब आप ये कहते हैं कि दवाई जो है पूरी जो हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रही है और हर इलाज जो होता है, तो इसमें दवाई आके एक साल से मिल क्यों नहीं रही है? कुदई कहाँ से आए थे? नहीं कुदई आनंद वो आप कहाँ से आए थे? नहीं, हम आनंद पर बता राजकुमार लिखा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या वो दवाई नहीं मिली? दवाई ये जो है ना, 4 दवाई लिखे थे, 3 दवाई बाहर से मिली। कितने दिन की बात है? 120 का। 120 का, ये क्या बोलते हैं दवाई पूरी नहीं है? नहीं, एक ही दवाई है। एक ही दवाई रखते हैं? हाँ। अच्छा, कितनी बार आ चुके अब तक? अरे हमने बहुत बार आया। बहुत बार। हाँ। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। कहाँ से आए थे? शालीमार से आता हूँ। शालीमार से, काफी दूर से आए हैं करोल बाग। हाँ, दवाई मिली? नहीं, दवा नहीं मिलती है यहाँ, 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने। कहाँ से ली है दवाई जो आपने हाथ में ले रखी है? ये बाहर से यहाँ खरीदे हुए। इसी स्टोर से? हाँ, इसी स्टोर। अच्छा, क्या बोलते हैं डॉक्टर? दवा हॉस्पिटल में है ही नहीं है, धागा भी नहीं है कुछ। 5-6 महीने से हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। हाँ, तो जो दिल्ली सरकार वो कहते हैं कि फ्री दवाई मिली है, वो तो कहने की बात है खाली। हाँ बस, और क्या नाम है? विजय। कहाँ से आए थे? यहीं बगल से आया हूँ, थोड़ी फील्ड में। दवाई नहीं मिली? ना। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर तो लिख दिए, फिर यहाँ दवा लेने आया, वो जहाँ मिलती है तो उसने बोला दवा कोई नहीं है हमारे पास। बाहर से लोगे? हाँ, बोले बाहर से ले। रामवीर। कहाँ से आए हो? भजनपुरे से। भजनपुर। दवाई नहीं मिली है? नहीं, एक दवाई मिली है, एक दवाई मिली है, एक ड्रॉप नहीं है, वो ड्रॉप कह रहे बाहर से ले लो। बाहर से खरीदी है? हाँ, अंग्रेजी। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा कहाँ से आए थे? लोनी से। लोनी से आए? लोनी रामनगर। अच्छा, तो ये बताए दवाई लेने आए थे हम यहाँ पे? दवा क्या हुआ, मिली नहीं? स्टोर की लिख दी बाहर की, सारी सारी बाहर की लिख दी। हाँ। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं अब? यहाँ दवा खत्म थी, इन्होंने राम मनोहर लोहिया को लिख दिया था, वहाँ भी खत्म है दवा। अच्छा। फिर वहाँ भी स्टोर से लेनी पड़ी। वहाँ भी स्टोर पे? हाँ, वहाँ भी नहीं है दवा। हाँ, तो ये 5-6 महीने से बराबर दो, अब हम 2 महीने वहीं से खरीद रहे हैं लोनी से। 500 रुपये की आई दवा हमारी। यानी कि जो फ्री दवाई का वादा है वो झूठा है? हाँ, बस यही हो रहा अब तो। ठीक है। पंकज जी, आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? अजीब सी बात है, जो देश की गरीब जनता जिस नेताओं को चुनती है, वो नेता इतने संवेदनहीन होते हैं अपने विज्ञापनों पर और अपने सुख सुविधाओं का इतना ख्याल रखते हैं कि देश की गरीब जनता का, आवाम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मैं तिबिया कॉलेज 1.5 साल से आता हूं, तिबिया कॉलेज में एक भी दवाइयाँ नहीं मिलती, जिसका विज्ञापन 1031 पर कॉल करने से एंटी करप्शन ब्यूरो ये कहता है कि आपको सीएम हाउस से फ़ोन आएगा, सीएम हाउस वाले इस पर कोई रिस्पांस नहीं लेते, और सारे अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं, कोई अगर विरोध करता है तो उस पर लोग बलपूर्वक ये करते हैं। कि आप ये बताइए कि देश की आवाम किस पार्टी को वोट दे? चुनाव का माहौल है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं दी जाती है। ये दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल है, जहां केजरीवाल जी अपने आप को दंभ भरते हैं कि हमने सब कुछ चंगा कर रखा है। दूसरी ओर भाजपा शासित नगर नगर निगम के अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। नारायण दत्त औषधालय का भी आपको मैं बताऊंगा, पर्चा दिखाऊंगा। सरकारी अस्पतालों में जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, वहाँ भी दवाइयाँ नहीं दी जाती है। लोग बेहाल हैं, आखिर लोग किससे फरियाद करें? सारी सरकारें जो जनता तय करती है, चुनती है, वो सरकार इतनी निकम्मी, इतनी संवेदनहीन क्यों होती है? क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? क्यों विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, अपने फ़ोटो लगाकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं, चुनाव में लोगों को, जनता को गुमराह करती है? आखिर दवाइयों की व्यवस्था क्यों नहीं करती है? हमने कई बार संपर्क किया है, आपके स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से भी संपर्क करने का कोशिश किया, वो कोई रिस्पांस नहीं लेते। मुख्यमंत्री हाउस से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, 1031 पर नहीं मिलता है। यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, गरीब आवाम को दवाइयाँ नहीं मिलती है। आप दूसरे और भी कई लोगों से पूछताछ कर सकते हैं, आपको इसी तरीके के मामलात मिले।